हेलो एवरीवन, आज हम फिर आपसे बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइनल स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। सो फ्रोजन शोल्डर के बारे में हमने आपको पहले भी कई वीडियो दिखाएं, आज भी एक हम आपको केस स्टडी दिखाएंगे, एक रेफरेंस दिखाएंगे आपको जिनका फ्रोजन शोल्डर था और वो हमारे पास लास्ट टाइम जब फर्स्ट सेशन के लिए आए थे तो उनका शोल्डर काफी ऑब्स्ट्रक्शन था शोल्डर में, और आज हम उनका सेकेंड सेशन आपको लाइव दिखाएंगे और उनका आप वो उनसे पूछेंगे भी कि उनको कैसा फील हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फ्रोजन शोल्डर है वो एक पेनफुल कंडीशन होती है शोल्डर की, जब आपका शोल्डर जो है वो मूवमेंट उसके पेनफुल हो जाते हैं, स्पेशली जो हाथ का पीछे जाना या हाथ का सर के पीछे जाना, ऊपर उठाना, साइड से उठाना, ये जो चार पांच मूवमेंट है बिल्कुल काफ़ी पेनफुल होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी इसे कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में जब आपको लगे कि आपको फ्रोजन शोल्डर है तो उसको पूरा उसको एक्सरसाइज करना उसका जरूरी है और उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट कराएं से बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, नहीं तो इसमें कभी कभी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आइए देखते हैं फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं। कैसा है अंदर से अभी पहले से काफी अच्छा हो गया क्योंकि पहले तो ये सीधा ही नहीं हो रहा था। पीछे ले गए इधर नहीं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्या है कि मैंने ना कोशिश करी थी घर पे कि जैसे मैं सीधी जमीन में या पलंग पे सीधी लाई डाउन करती हूँ ना जी, तो जैसे ये है तो पूरा पीछे तक हैंड तक सीधा चला जाता है जी, ये नहीं जा पाता है ये बता, एकदम सीधा नहीं होता, बहुत दर्द है। जो दर्द जाता है ना वो मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक जाता है पूरा, अच्छा। जब उसको स्ट्रेच करती हूँ तो जैसा भी आपने दिखाया तो बहुत दर्द है, हाँ बहुत दर्द है मेरे। लूज़
ऊपर उठाइए, आप तो सीधा जा रहे हैं, पहले तो जा ही नहीं रहा था, बिल्कुल ही टेढ़ा ही हो गया था, मुझे लग रहा पहले टेढ़ा हो गया था। आप सीधा जा रहे हैं बिल्कुल, ऐसे साइड दर्द भी नहीं है इस वक्त, अब उठाने में दर्द ही, ये सब कर रहे हैं ना आप, इस वक्त नहीं है दर्द। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और जो वीडियो हमारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और जो लोग दर्द में हैं उनको आपके थ्रू हेल्प हो जाए, तो अपने इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।